हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। होप यू ऑल आर गुड। तो इस समय बज रहे हैं सुबह के 6 और शुरुआत करते हैं अपने आज के ब्लॉग की। और आज हो चुकी है सुबह, ये एकदम तेज बारिश, इतनी तेज बारिश हो गई कि आगे देखो पूरा पानी ही पानी आ चुका है। बहुत तेज बारिश हो रही है, बादल भी गरज रहे हैं, लाइटनिंग हो रही है साथ ही साथ। यहाँ पर अभी मैं घर के आगे खड़ी हूँ ना, तो फिर हवा चल रही है जिस वजह से ठंडा भी लग रहा है। आ गए मौसी जी भी, आज जाने वाले थे, मौसी पूरा प्लान था आज जाने का, लेकिन अगर ऐसी बारिश रहेगी तो जाना नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत तेज बारिश हो रही है और साथ ही साथ लाइटनिंग और बादल भी गरज रहे हैं, बहुत लाइटनिंग भी हो रही है, तो ऐसे में जाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। लेकिन देखेंगे कि 8-9 बजे तक मौसम कैसा रहता है, क्योंकि एकदम सा मौसम चेंज हो जाता है ना, पता ही नहीं चलता है कि हाँ भाई बारिश भी हुई थी। तो अगर बारिश ऐसे कंटिन्यू रहेगी तब तो मौसी आज नहीं जाएंगे, और अगर मौसम ठीक हो जाता है तो मौसी जा पाएंगे, वरना एक दिन और मौसी हमारे साथ में रहेंगे। लेकिन मौसी को टेंशन हो जाएगी क्योंकि मौसी के बकरी गाय भैंस वगैरह हैं, तो देखना पड़ता है ये सारी चीज़ें। देखो कितना पानी आ गया है घर के आगे से, पूरी रोड पानी से कैसे भर गई है। और हम लोगों का बिजली भी घर पे नहीं है और ना ही वो वाइट वाली बिल्ली, दोनों के दोनों गायब है, पता नहीं कहाँ हैं दोनों। और अभी तो इतनी तेज बारिश में आएंगे भी नीचे, भी जहाँ होंगे वहीं रुके हुए होंगे दोनों के दोनों। बारिश के साथ साथ बादल बहुत जोरों से गरज रहे हैं और लाइटनिंग भी हो रही है, तो अंदर चलते हैं क्योंकि तिरछी बारिश हो रही है तो भीग भी रहे, इसीलिए अंदर चलते हैं। अब मम्मी तो पूजा कर रही है और खुशबू यहाँ तक आ रही है धूप की। ओ भाई हमारा बिजलू आ गया, कितना भीगा हुआ है, कितना भीग रखा है और सीधा बिस्तर में चल रहा है, बताओ। अब ये यहाँ पर बैठ करके अपने को पहुँचेगा। यहाँ वहाँ मत जाना, बस यहीं पर रहना। तो बहुत भीगा हुआ है ये, तो इतनी तेज बारिश में पता नहीं कहाँ से आ रहा है भीग भीग करके। और कहाँ, मैं कह रही थी कि ये जब बारिश बंद होगी तब आएगा। व्हाइट वाली कहाँ रह गई बिजलू, देखा तूने वो व्हाइट वाली को, ना कह रहा है। कैसे झाड़ रहा है अपने आप को, एक जगह पर है बिजलू। ने बारिश में कितना खतरनाक भीग करके आया था बिजलू, और अब बिजलू को अच्छे से पहुंच दिया है और बिजलू अब इस तरीके से ढकली करके सो गया है। तो फ्रेंड्स इस समय बज रहे हैं सुबह के 10 और अभी हम लोग हैं ऊपर छत में, और देखो ये व्हाइट बिल्ली तो ऊपर छत में है, पहले से नहीं थी, पता नहीं कब आकर के बैठी है। और मौसम तो हो चुका है भाई एकदम साफ, ऐसा लग रहा है ये मौसम खराब मौसी के लिए ही हुआ था ताकि मौसी ना जा पाए आज, क्योंकि मॉर्निंग से सुबह 6 बजे के पहले से बहुत खतरनाक बारिश हो रही थी जिस वजह से मौसी का प्लान चेंज हो गया है और आज मौसी यहीं रुक रहे हैं। और यहाँ पर आ चुकी है व्हाइट बिल्ली, लेकिन ये इतनी डरपोक है ना, बहुत डरती है ये, खा पी रही नहीं पी रही है, लेकिन हम लोगों के पास आने में भी कितना डर रही है। ये हर टाइम छत में ही रहती है और जब भूख लगता है तो नीचे आ जाती है, और डरती इतना है हम ही से, जबकि हम इतना लार हुलार कर रहे हैं, सो खिला पिला रहे, फिर भी हमसे डर रही है। वैसे खतरा अभी टला नहीं है, बारिश का मौसम अभी भी पूरा बना हुआ है, हालांकि हल्की हल्की सी धूप आ रखी है, लेकिन फिर से बारिश होगी। और मम्मी को साफ करने पे लगे हैं पूरा छत, क्योंकि पूरा पानी से भर गया है छत। ऊपर छत में तो ये डर गई थी और वहां से भाग करके आ गई है नीचे, तो दे देते हैं इसको भी दूध पीने के लिए, अभी रहे हमारे साथ ही रहिए। तो भाई
खाना पीना भी तो खिलाना पड़ेगा इसे। बिजलू तो मस्त होकर के सोया हुआ है, उसने अभी तक ब्रेकफास्ट भी नहीं करा, आया और सो गया। बाहर तो फिर से बारिश जैसा मौसम हो चुका है। सुबह तक थोड़ा ठीक हो गया था मौसम, तो मैंने यहाँ पर कपड़े रख गए थे क्योंकि कल शाम को धोए थे, तो हवा में सूख चुके हैं कपड़े। और क्योंकि फिर से बूंदाबांदी होने लग गए, तो इन कपड़ों को भी लेकर के चलेंगे अंदर, क्योंकि सूख रखे हैं, खाली बारिश में रहे तो गीले हो जाएंगे। मौसम तो पूरा बारिश का बन गया है। और देखो जहाँ जहाँ बिजलू वहाँ वहाँ ये वाइट बिल्ली, ये देखो इन दोनों को, अभी तक सो रखे थे दोनों के दोनों, खा पी करके बाहर आ गए। अब वो अंदर ही जाएगी। इससे पहले कि बारिश हो जाए शुरू, मैं तो ले चलती हूँ कपड़े अंदर। बिजलू और वाइट बिल्ली तो मौसम अच्छा हो रखा है इसीलिए बाहर टहल रहे हैं। बिजलू यहाँ पर करने पे लगा अपनी साफ सफाई, मुंह धो रहा है। बिजलू चल आ जा, वैसे बाहर सही हो रखा है, अभी सोकर उठा है इसीलिए बिजलू तो मुंह हाथ धोने पे लगा है। लूसी तू भी आ गई, खाना तो तू खाती नहीं, तेरे को रोटी दिया तूने, रोटी तो सब बर्बाद कर दिया, फिर क्या खाएगी तू अब। शाम के 6:30 हो चुके हैं और बाहर तो हो रही है बारिश और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। भाई देखो सुबह से आज बारिश है, बीच में थोड़ी देर के लिए रुकी थी बारिश और अब फिर से स्टार्ट हो गई है। ठंडियों का जैसा मौसम हो चुका है पूरा का पूरा। और बिजलू पता नहीं कहाँ है, आया तो घर के अंदर ही था बट पूरा कमरे में देख लिया बिजलू है नहीं, ऐसे बारिश में पता नहीं कहाँ होगा वो। और वो वाइट बिल्ली वो तो आराम से मस्त होकर के अंदर चारपाई में बैठी हुई है, धीरे धीरे करके उसका भी डर खत्म होने लग गया है। आसमान में पूरे काले बादल लगे हुए हैं, यानी कि अभी और बारिश होगी। बारिश के साथ साथ हवा चल रही है जिस वजह से ठंडा लग रहा है। ये कौन है अंदर, देखो ये कहाँ सो रखी है। मैं अभी गैलरी से इसकी वीडियो क्लिक कर रही हूँ और ये मुझे देख रही है, और अगर मैं अंदर गई ना तो ये चारपाई से भाग जाएगी, इसीलिए मैं अंदर से नहीं बाहर से इसकी वीडियो बना रही हूँ। गोलू, मैंने तेरा नाम गोलू रख दिया ठीक है, वो गोपुलू से तो अच्छा गोलू लग रहा है, अब से तू गोलू। मम्मी किचन में खाना बना रहे हैं और साथ ही साथ ये भी किचन में बैठ के इंतजार कर रहा है घी रोटी का। घी रोटी खानी है तेरे को, कैसे बैठा हुआ है वो किचन में। सो फ्रेंड्स, ऐसा मैं बढ़ चुके हैं रात के 8 और हम लोगों का डिनर भी हो गया है रेडी। और आज तो नॉन स्टॉप बारिश रही है भाई सुबह से, लेकिन आज एक चमत्कार हो गया है। वो चमत्कार ये हुआ है कि ये देखो ये बिल्ली अंदर आ गई है, वरना ये इस तरीके से अंदर नहीं आती है, गैलरी में से खाती पीती है और जहाँ पर हम लोग सब बैठे रहे वहाँ पर कभी इस तरीके से बैठकर नहीं खाती है। बट फ्रेंड्स, ये तो यहाँ पर बैठ करके कर रही है अपना डिनर, बट हम लोगों का बिजलू पता नहीं कहाँ है, बाहर बारिश हो रही है और बिजलू है गायब। कहीं ऐसा ना हो कि ये है करके बिजलू आना कम कर दे, क्योंकि जब से ये आ रही है तब से बिजलू बहुत कम आ रहा है, तो ऐसा ना हो कि बिजलू छोड़ करके चले जाए और ये घर इसको सौंप दे। तो फ्रेंड्स देखेंगे क्या करता है बिजलू, बट अभी हम लोग करते हैं अपना डिनर और मैं भी करूंगी अपना आज का ब्लॉग हेयर ट्री क्लोज। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स एंड शॉर्ट्स पसंद आ रहे होंगे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे ब्लॉग्स एंड शॉर्ट्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स मेरे ब्लॉग्स रोज शाम को 7:30 पे आएंगे, तो कीप वॉचिंग। मिलते हैं बहुत जल्द कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।